ओके गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। जो जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, प्लीज प्रिपेयर कर लो। डे वन डे टू वालों, जिसका एग्जाम कल है और जिसका एग्जाम अभी आफ्टरनून स्लॉट में है या इवनिंग वाले स्लॉट में है, 3:30 वाले स्लॉट्स में है, ठीक है। आफ्टर एनालाइजिंग दी स्लॉट वन पेपर, ये जो मैं बताने वाला हूँ, हर सेक्शन से आपके 5 से 10 मार्क्स बढ़ने वाले हैं। जीके में तो 10 मार्क्स के ऊपर आपके स्कोर आ जाएंगे, लीगल में भी सेम, एंड लॉजिक में 5-5 मार्क्स, इंग्लिश में 5-5 मार्क्स आप बोल लो, ठीक है। सो वन बाय वन लेट्स टॉक अबाउट ईच सेक्शन, कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उस टॉपिक को फटाफट रिवाइज कर डालो, ठीक है। और ये वीडियो शेयर कर दो आपके सारे फ्रेंड लोग को, जितने लोग अभी कल एग्जाम लिखने वाले या आज शाम का एग्जाम लिखने वाले, उनको बोलो जो जो मैं बता रहा हूँ पढ़ाई तुमने पूरी कर ली है, राइट। अब वो चीज पे काम करना जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, तो फटाफट उस पर काम करना चालू कर दो, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन, एंड वंस अगेन ये वीडियो शेयर कर दो सारे लोग को, सब लोग को फायदा हो कि भाई सबका मार्क्स 10 मार्क्स 15 मार्क्स से बढ़े। आई वॉन्ट कि सबका स्कोर अच्छा है, सबका सिलेक्शन जीएलसी आईएलएस में हो, ठीक है। सो दैट इज व्हाई आई एम वर्किंग हार्ड फॉर यू पीपल, सो दैट यू शुड गेट सेलेक्टेड, यू शुड स्कोर गुड मार्क्स इन दी सीईटी 2023 एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले तो मुझे बात करनी है जीके को लेकर। ये आपका मेनुअर का ऑनलाइन प्रोग्राम का डैशबोर्ड है, अगर आपके पास जीके प्रोग्राम का एक्सेस है या फुल कोर्स का एक्सेस है, इफ यू आर मेनुअर स्टूडेंट, तो आपके पास ये सारे एक्सेस होंगे। तो यहाँ से आपको सारे हैंडआउट वीडियोस देखना चालू कर देना है। बट इफ यू आर नॉट अ मेनुअर स्टूडेंट, आपके पास ये प्रोग्राम नहीं है, तो सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो सबसे पहले स्टैटिक जीके पे आते हैं। स्टैटिक जीके में ये सारे वीडियोस नहीं देखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हैंडआउट्स पे आ जाओ। हैंडआउट्स वाले सेक्शन पे आओगे तो स्टैटिक पे आ जाओ। सो दिस इज हाउ इट विल ओपन, और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके, इसको आपको 2 बार गो थ्रू कर लेना, फटाफट इसको डाउनलोड करो एंड स्टार्ट गोइंग थ्रू ऑल दिस क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, 10+ क्वेश्चन 15+ क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं एग्जाम में। सो इसको आप अच्छे से देख लो भाई, आपको टू द पॉइंट क्वेश्चन स्टैटिक से मिल जाएगा। स्टैटिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स छोड़ना है तो छोड़ दो। दूसरा, स्टैटिक जीके को लेकर के वीडियो वाला जो पार्ट है उसमें से पॉलिटी वाला पार्ट थोड़ा देख लो यार, ठीक है। सिर्फ पॉलिटी वाला पार्ट, ये वीडियोस देख लो और इसका हैंडआउट्स देख सकते हो, तो आपके आपके पास टाइम है तो। और अगर आपके पास कल एग्जाम है आपका, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि बाकी के भी स्टैटिक जीके के हैंडआउट्स गो थ्रू कर लो। ये इंडियन पॉलिटी है, ये आपका 44 पेज का हैंडआउट है, बट बहुत लिमिटेड कंटेंट है, तो फटाफट इसको गो थ्रू आप कर लो, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो गो थ्रू कर लो, अदरवाइज क्वेश्चन तो आपको गो थ्रू करना ही है, ये पहला काम करना है आपको। अगर जिसका एग्जाम कल है तो स्टैटिक जीके के सारे वीडियोस और हैंडआउट्स आपको फटाफट काम करना है। या साल में आपने जीके में कुछ नहीं पढ़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपके 10-15 मार्क्स बढ़ रहे हैं तो वेल एंड गुड ना, इस पर आप काम कर लो, ठीक है। अब जीके के बाद अपन आते हैं लीगल पे। लीगल के जो आपके वीडियोस हैं उसको देख लो, प्लस आपका जो मॉक है मेनुअर का उसके क्वेश्चन को गो थ्रू कर लो। 20 मॉक है, पूरा मॉक आपने नहीं लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीगल के और जीके के कुछ में से क्वेश्चन देख लो, ठीक है। तो लीगल को लेकर के मेनली आपका कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब आते हैं लॉजिक। लॉजिक में आपका ट्रेडिशनल लॉजिक भरा हुआ है भाई, अभी उन्होंने क्रिटिकल पूछना चालू किया है, तो अजम्पशन आर्ग्यूमेंट ये दो टॉपिक अच्छे से कर लेना, एंड कंक्लूजन भी कर लेना। बाकी सीरीज वाले क्वेश्चन, एनालॉजी वाले क्वेश्चन, ये सारे वीडियोस फटाफट देख लो, इजी क्वेश्चन है, फटाफट अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो मैंने अभी एनालिसिस स्लॉट वन की दी है मॉर्निंग वाली की, उसको भी देख लो आप, ठीक है। बचा इंग्लिश में, अभी इंग्लिश में आपका ग्रामर रूल अच्छा होना चाहिए, एरर डिटेक्शन से क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट सेंटेंस करेक्शन से क्वेश्चन है आपके, ओके। और आपका आरसी तो आया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स कर लेना, यहाँ से 6 to 8 क्वेश्चन आए हुए हैं, सो काइंडली गो थ्रू द फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो ये सारे वो क्वेश्चन है जो आपके फर्स्ट श्योर एग्जाम में आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। तो जो जो मैंने अभी बताया हुआ है वो आप फॉलो कर लो, मॉक की एनालिसिस अच्छे से कर लेना। प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए लॉ एंट्रेंस पे आ जाओ, यहाँ पे आपका फुल कोर्स का ये प्रोग्राम है, ठीक है। इसके अंदर आपके वीडियोस, मॉक और हैंडआउट्स दोनों है, यू कैन चेक दी प्रोग्राम। एंड इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन जीके प्रोग्राम, तो सेक्शनल कोर्स में जाके, ये जीके प्रोग्राम है, इसके अंदर के हैंडआउट दिया हुआ है स्टैटिक का भी, एंड आपके वीडियो पार्ट भी है, इसको देख लो, ठीक है। बाकी लीगल के वीडियोस और मॉक, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो मॉक को लेकर के भाई आपका 20 मॉक लॉन्च है, और अगर 10 मॉक के लिए यू कैन चेक आउट दिस प्रोग्राम। तो इन सब डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेक द डिस्क्रिप्शन, एंड डू वॉच माई एनालिसिस वीडियो विद रिगार्ड्स टू दियर सीटी 3 ईयर्स मॉर्निंग वन स्लॉट वन, ठीक है। अभी स्लॉट टू एंड स्लॉट थ्री की भी एनालिसिस में दूंगा, तो उसके हिसाब से जितने लोग का एग्जाम कल है डे टू में, उनके लिए वो काफी बेनिफिशियल होगा। सो दैट्स ऑल दिस वीडियो गाइस, ये वीडियो शेयर कर दो आपके सारे फ्रेंड लोग को, सो दैट दे शुड ऑल्सो बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।